गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पेज नंबर 36 ऑफ लेसन 4. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू. यहाँ पे आपको लेटर्स को एक ऑर्डर में सजाना है शब्द बनाने के लिए. तो यहाँ पे दो आपको क्वेश्चंस बनाए गए हैं. पहला क्वेश्चन में आंसर है टू, सेकेंड में है इज, एंड थर्ड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई एच लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे एच ई ही. फोर्थ जी आई बी लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे बी आई जी बिग. फिफ्थ में एम आई एच लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे हिम, एच आई एम हिम. सिक्स में एस आई एच लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे एच आई एस हिज. सेवेंथ में आर ई एच लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे एच ई आर हर. और एट में एन ए सी लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे सी ए एन कैन, सी एन कैन. तो यहाँ पे हमने इन वर्ड्स को सही से लिखा, इनके लेटर्स को रीअरेंज किया और फिर इनको लिखा. एंड नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स एंड काउंट एंड राइट. यहाँ पे आपको पिक्चर्स को देखना है और उसको काउंट करके लिखना है. तो पहले पिक्चर में क्या है, जिराफ. हियर इज द पिक्चर ऑफ ए जिराफ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट एंड राइट करके लिखा हुआ वन जिराफ. फिर यहाँ पे टू जिराफ है तो यहाँ पे जिराफ में एस लगाया, एड एस टू द नेम्स ऑफ द एनिमल्स. यहाँ पे एनिमल्स के नेम में एस लगाया गया है तो यहाँ पे फिर लिखा गया है टू जिराफ्स. काउंट एंड राइट कर यहाँ पे इसको काउंट करके यहाँ पे टू जिराफ्स लिखा गया है. तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ क्या देखते हैं, एलिफेंट है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन एलिफेंट, वन एलिफेंट. और यहाँ पे फिर एलिफेंट में एस लगा देंगे तो यहाँ पे काउंट करेंगे कितने एलिफेंट्स हैं, वन टू थ्री. तो यहाँ पे थ्री एलिफेंट्स हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री एलिफेंट, टी एच आर डबल ई, थ्री एलिफेंट्स. ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जेब्रा बना हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेब्रा, वन जेब्रा, वन जेब्रा. और इसको हम लोग जेब्रा में यहाँ पे फिर एस लगा देंगे तो ये जेब्राज हो जाएगा. और यहाँ पे काउंट करके जेब्रा को लिख देंगे तो यहाँ पे काउंट करेंगे कितना जेब्रा है, वन टू थ्री फोर. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फोर जेब्राज. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे वन फ्रॉग है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वन फ्रॉग. और यहाँ पे फ्रॉग में एस लगा देंगे तो ये हो गए फ्रॉग्स. और फ्रॉग्स को यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे, यहाँ पे कितने फ्रॉग्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. यहाँ पे सिक्स फ्रॉग्स हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिक्स फ्रॉग्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ अब हम लोग ने पेज नंबर 36 को कंप्लीट किया यहाँ पे. और इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 का कि लास्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी बुक में बना लेंगे और कॉपी में भी लिख कर रख लेंगे. तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.